हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन वीडियो लेक्चर 10th। एवरीबॉडी नो दैट कि इस चैप्टर में हम लाइफ प्रोसेस की बात कर रहे हैं। लाइफ प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी लार्ज चैप्टर फॉर क्लास 10th स्टैंडर्ड। ओके, इन दिस चैप्टर में हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में समझने की कोशिश भी कर रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं कि क्या है। और हमने इस डायग्राम को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है, और एलिमेंट्री कैनाल के बारे में भी बताया कि माउथ, माउथ कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन के बारे में बताया और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन भी बताया, जिसमें इंटेस्टाइन जो आप यहाँ पे देख रहे हो बेटा, ये तीन पार्ट, एक लार्ज इंटेस्टाइन होगा, एक स्मॉल इंटेस्टाइन होगा और उसमें भी थ्री पार्ट बटेंगे, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के और लार्ज इंटेस्टाइन के, जिसमें कोलन, सीकम, रेक्टम एंड जीजिनम, ड्यूडिनम, ये सब आते हैं। After that, मैंने कुछ तित की बात किया कि परमानेंट तित क्या होते हैं और मिल्की तित क्या होते हैं, मिल्की तित में कितने तित होते हैं, कौन सी तित मिसिंग होती है, इसके बाद पे डिबेट किए थे। कुछ तित के बारे में इंडिकेट भी किया था मैंने। यहाँ पे डॉगी का भी स्ट्रक्चर बताया था कि ये टंग के हेल्प से अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाते हैं और टंग पे हमें हमें क्या मिलते हैं, टेस्ट बर्ड्स मिलते हैं जो स्वीट, साल्टी, बिटर, ये सब बताते हैं। आफ्टर दैट कुछ तित के, एक तुत के बारे में आज हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। आपके डेस्कटॉप पे आ गया होगा स्ट्रक्चर ऑफ तुत। ओके, तो अगर पूछा जाए ये जो आप जो तित देख रहे हो यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर्स होने वाला है बेटा, ये आपको इस फॉर्म में हम लोग स्टडी करेंगे। एक तित, देखो तित की बात कर रहे हैं तो ग्रुप ऑफ में रहेंगे और तित की तुत की बात बोल रहे हैं तो सिंगल, एक की बात करेंगे तो तुत हो गया। ओके, तो तुत आर एम्बेडेड इन जावा। हमारे पास कितने जावा हैं? तो देयर आर टू जावा, अपर जावा एंड लोअर जावा, ठीक है, हमारे पास दो जावा हैं, अपर जावा एंड लोअर जावा। और क्या इसमें फैक्ट जानते हो आप अपर जावा के बारे में एंड लोअर जावा के बारे में? व्हाट इज नो अबाउट फैक्ट लोअर जावा और अपर जावा में क्या फैक्ट है? एक ही फैक्ट है बेटा, देखिए अगर नॉर्मल ह्यूमन की बात करें तो 16 तीत ऊपर भी हैं और 16 तीत नीचे भी हैं, टोटल तीत की संख्या हो जाती है 32, राइट। अपर जावा में और लोअर जावा में डिफरेंट ये है कि अपर जावा डज नॉट मूव, अपर जावा मूव नहीं करता है और लोअर जावा जो है वो मूव करता है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तुत के बारे में। टूडे वी आर गोइंग टू डिबेट तुत, ओके, तुत, सिंगल तित को हम तुत बोलते हैं। देयर आर एम्बेडेड इन जावा, जो तुत होते हैं ये कहाँ एम्बेडेड होते हैं? तो सॉकेट में, जावा में एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। ह्यूमन हैज फिक्स अपर जावा एंड लोअर जावा, तो विच जावा इज मूवेबल, इट इज फेवरेट क्वेश्चन, इट आस्क बाय टीचर्स इन वाइबा इन एग्जाम, 1 मार्क्स ऑल्सो। सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच जावा इज मूवेबल, अपर जावा और लोअर जावा, तो लोअर जावा इज मूवेबल। ओके, ईच तित, तुत की अगर बात करें, हर तुत में, ठीक है, कितने पार्ट आपको पढ़ने के मिलेंगे? ईच तुत कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, हर तुत कितने पार्ट से एम्ब्रॉयडर्ड है बेटा? तो थ्री पार्ट से कंसिस्ट होता है। फर्स्ट पार्ट नेम इज क्राउन, सेकेंड पार्ट इज नेक एंड थर्ड इज रूट। There are three part of the tooth. First is crown, second is neck and third is root. Okay? आप इस डायग्राम में देख भी सकते हो, इस पार्ट को हम क्राउन बोलते हैं, दिस इज अ नेक पार्ट एंड दिस हेयर टू स्टार्ट एंड हेयर रूट हेयर तक क्या है बेटा? रूट हो गया। तो फर्स्ट इज क्राउन, सेकेंड इज नेक एंड थर्ड इज रूट। ओके, After that, सबसे आउटर लेयर जो है वो इनेमल है, दिस इज अ इनेमल, दिस इज अ डेंटाइन एंड दिस इज अ पल्प। फोर्थ नंबर पे हम पढ़ेंगे गम के बारे में, ओके, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू नो अबाउट सीमेंट, किसके बारे में बात करेंगे हम? सीमेंट के बारे में एंड जावा बोन के बारे में। सिक्स, सो लेट बी स्टार्ट नाउ क्राउन, हम सबसे पहले क्या बात कर लेते हैं क्राउन के बारे में। ओके, इट इज द एक्सपोज्ड पोर्शन, ये एक्सपोज्ड पोर्शन होता है अब तुत, एबव द गम, जो गम के जस्ट ऊपर होते हैं,
राइट, इट इज कवर्ड विद हार्डेस्ट सब्सटेंस, जो क्राउन है वो सबसे आउटर पार्ट है टूथ का, इट इज आउटर पार्ट ऑफ द टूथ, क्राउन इज द आउटर पार्ट ऑफ द टूथ, क्राउन इज द आउटर पार्ट ऑफ द टूथ, राइट। आफ्टर दैट व्हाट विल यू राइट, इसमें आप क्या क्या लिखना चाहोगे, अगर मेंशन करना हो क्राउन में तो व्हाट विल बी राइट, वी कैन राइट इट इज द एक्सपोज्ड, ओके एक्सपोज्ड पोर्शन मतलब आउटर पार्ट, ओके ऑफ किसका, ऑफ टूथ, इट इज आउटर पार्ट ऑफ द टूथ अबव द गम, अबव द गम, क्राउन इज द एक्सपोज्ड पोर्शन ऑफ टूथ अबव द गम, एंड व्हाट विल यू राइट सेकेंड पॉइंट, इट इज कवर्ड विद, इट इज मेन पॉइंट, ओके सो विल यू हैव टू फोकस ऑन देम, व्हाट डू यू राइट देयर, इट इज कवर्ड, किससे कवर्ड होता है क्राउन, इट इज कवर्ड विद हार्डेस्ट सब्सटेंस, इट इज अ कवर्ड विद हार्डेस्ट सब्सटेंस, क्या नाम है उसका, व्हाट यू से, व्हाट इज दिस कॉल्ड, इनेमल, क्या नाम दिया जाएगा इसका, इनेमल, ओके इनेमल इज अ हार्डेस्ट, या ये देखिए बेटा ये बॉडी में पूछा जाता है, एस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, इनेमल इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी दैट प्रोटेक्ट द क्राउन, जो किसको प्रोटेक्ट करता है, दैट प्रोटेक्ट द क्राउन, ये क्राउन को प्रोटेक्ट करता है, राइट अभी रुक के थोड़ी सी बात हम इनेमल में करेंगे, उससे पहले हम नेक के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, सेकंड पॉइंट है हमारा नेक, ओके नेक इज आवर सेकंड पॉइंट, इसमें बस एक लाइन लिख सकते हो, इट इज अ नैरो पोर्शन ऑफ द गम, व्हाट यू राइट इन देम, इट इज नैरो, ये नैरो पोर्शन ऑफ द गम, ये गम का नैरो पार्ट होता है, बहुत कम हिस्सा है, ठीक है यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो दिस पार्ट, ओके आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट्स में आपके आते हैं रूट, क्या आएंगे, रूट आएंगे, ओके तो रूट की अगर बात करें, इट इज एम्बेडेड इन द जावा बोन, कहाँ एम्बेडेड होते हैं, देखो अपर जावा लोअर जावा दोनों है, और दोनों सॉकेट में क्या मिलते हैं, टिथ मिलते हैं, और हर टिथ के पास क्या पाया जाता है, रूट पाया जाता है, और ये रूट कहाँ एम्बेडेड होते हैं, जावा बोन में, ठीक है दोनों में होंगे, बोथ जावा बोन में, तो आप लिख सकते हो इट इज एम्बेडेड एम्बेडेड इन द जावा बोन and hold the tooth and hold the tooth squarely place, right okay, तो हमने क्या बात किया अभी, crown neck root के बारे में बात किया, okay we are going to debate dentine is a रीजनरेबल लिविंग सब्सटेंस, अब देखो यहाँ पे जो इनेबल के जस्ट नीचे कौन सी लेयर मिल रही है, डेंटाइन मिल रही है, और ये डेंटाइन रीजनरेबल होता है, इट इज अ लिविंग सब्सटेंस एंड कैरी द नर्व्स फाइबर ब्लड वेसल्स एंड नेसेसरी सेल, ये जो डेंटाइन्स होते हैं बेटा आप क्या बता सकते हो, विच इज कैरी, मतलब हम बोल सकते हैं जो डेंटाइन्स हैं, डेंटाइन्स इज रीजनरेबल, ओके रीजनरेबल लिविंग सब्सटेंस, डेंटाइन्स जो है लिविंग रीजनरेबल लिविंग सब्सटेंस होते हैं एंड कैरी करते हैं, क्या कैरी करते हैं, कैरीज द नर्व फाइबर, ठीक है जिससे आपको झंझनाहट, ठीक है ठंडा गर्म ये सब लगता है, एंड ब्लड वेसल्स भी यहां पाए जाते हैं, एंड सेंसरी सेल,
इट हैज सेंसरी सेल आल्सो, राइट। आफ्टर दैट रूट, जो अभी हम कहे थे कि रूट के बारे में थोड़ा बात कर लेंगे, तो अगर हम रूट के बारे में बोले, तित के रूट, तुत के रूट्स की बात कर रहे हैं, तो इट फिक्स इन द एल्बोलस ऑफ द जावा बोन। कहां पे फिक्स होते हैं? तो एल्बोलियस ऑफ जावा बोन में फिक्स होते हैं, ओके। एंड बाय पेरिडोंटल मेम्ब्रेन एंड ओके, देयर आर टू टाइप ऑफ सेल। अगर इन्हीं तुत में अगर हम बात करें तो कितने टाइप के सेल मिलेंगे? देयर आर टू टाइप ऑफ सेल। फर्स्ट सेल नेम डू यू नो एंड सेकेंड सेल नेम? नो, ओके। ओडोनोब्लास्ट, व्हाट आई एम सेइंग टू यू, ओडोनोब्लास्ट इज अ फर्स्ट सेल एंड सेकेंड सेल नेम इज एमिलोब्लास्ट। फर्स्ट इज अ डेंटोब्लास्ट एंड सेकेंड इज अ एमिलोब्लास्ट। डेंटोब्लास्ट एंड एमिलोब्लास्ट, दीज आर लिविंग सेल विच फॉर्म, क्या बनाते हैं ये? डेंटाइन। डेंटाइन का फॉर्मेशन कौन करता है? तो ओडोनोब्लास्ट। एंड एमिलोब्लास्ट क्या करता है? इनेमल का फॉर्मेशन करता है, जो हमारे बॉडी का क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस है। आफ्टर दैट हम लोग डायग्राम में बात किए थे सीमेंट का, राइट। तो सीमेंट में क्या हम बता सकते हैं? सीमेंट इज अ बोन लाइक हार्डेस्ट सब्सटेंस। सीमेंट क्या होता है? सीमेंट इज बोन लाइक हार्डेस्ट सब्सटेंस, ओके, विच प्रेजेंट अराउंड द रूट। कहां प्रेजेंट होते हैं? रूट के चारों तरफ। एंड दैट होल्ड, क्या किए रहते हैं? दैट होल्ड अ तुत, जो तित को पकड़े रहते हैं। इन कहां पे? इन सॉकेट, इट्स सॉकेट में, ओके, इट्स सॉकेट्स, राइट। सीमेंट इज बोन लाइक हार्डेस्ट सब्सटेंस विच प्रेजेंट अराउंड द रूट दैट होल्ड तुत इन अ सॉकेट, राइट। आफ्टर दैट बात करें कि दीज सेल्स आर लिविंग और नॉट, तो दीज सेल्स आर लिविंग, ओके। वन प्रॉब्लम आप ऑल्सो देखते होंगे अपने टीथ में, जो बहुत ही क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होते हैं। डेंटल कैरीज की बात करें तो आपके स्क्रीन पर डेंटल कैरीज को मैं शो करने की कोशिश कर रहा हूँ बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखते होंगे कि यहाँ पे ये कैविटी का काज है, ठीक है, और इसी के जस्ट बिलो मैंने एक डायग्राम और लिया है, जो टिप पे यहाँ एलोइस सब्सटेंस का डिपोजिशन हो गया है, जो फूड पार्टिकल्स ही लगभग होते हैं, और यहाँ पे जो ये पोर्शन दिख रहा है, दिस इज नोन एज डेंटल कैरीज, ओके, इट इज नोन एज डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज आप जानोगे कि डेंटल कैरीज में होता क्या है, कि डेंटल कैरीज आर टूथ डिके। इसको अंदर नेम बोला जाए तो इसे हम बोल सकते हैं इट इज अ टूथ डिके, ठीक है। डेंटल कैरी को हम क्या बोल सकते हैं? इट इज अ टूथ डिके, ओके। इट इज अ टूथ डिके बिगिन व्हेन बैक्टीरिया, कौन सी बैक्टीरिया? यहाँ पे जब बैक्टीरिया इस पे अटैक करती है, जब बहुत क्लस्टर फॉर्म में यहाँ पे तित पे ग्रो कर जाते हैं, तो कौन सी बैक्टीरिया ज्यादा कॉमन है बेटा? तो स्ट्रेप्टोकोकस इसका नाम है, दिस बैक्टीरिया नेम इज, इसे आप जरूर से जरूर याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। इट अ बैक्टीरिया ने विच कॉज द टूथ डिके एट डेंटल कैरीज, ओके। ग्रो ऑन फूड पार्टिकल्स, सबसे मस्ट जो फूड होता है इन लोगों का, किस फूड पे ज्यादा ये ग्रो करते हैं? तो उसमें से आएगा सुगर, स्वीट, ठीक है, सुगर। स्टिकिंग टू द टीथ एंड प्रोड्यूस एसिड, लाइक इस पे देखिए कि स्टिकिंग हो गया फूड पार्टिकल्स, और इस पे जब बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटस जब इस पे आती है, तो इस पे क्या करती है? वो स्टक, मतलब चिपक जाती है, और
आपको पता ही होगा कि बैक्टीरिया विद इन 20 या 25 या 30 मिनट्स में अपनी संख्या डबल करते जाते हैं, जितने होंगे उसका जस्ट डबल होता जाता है। तो बहुत तेजी से ये अपना वहाँ फूड खाते हैं और बहुत तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते जाते हैं क्लस्टर फॉर्म में। और दीज बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ एसिड, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं इस जगह पे बहुत सारे मात्रा में एसिड सिक्रेट करते हैं, ठीक है। और ये एसिड डेंजर हो जाता है इनके लिए, किनको, तित के लिए, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस को भी क्या कर दिया है, ब्रेक कर देता है। द एसिड एक्ट अपॉन द तित एंड कॉज सॉफ्टिंग ऑफ इनेमल एंड डेंटाइन, द बैक्टीरिया कॉलोनी ग्रो इन साइज एंड डेंटल प्लेक्यूकॉस, यहाँ पे क्या कॉज हो जाएगा, डेंटल प्लेक्यूकॉस हो जाता है, राइट। आफ्टर दैट अगर हम और बात करें, फाइनली क्या होगा, जब डेंटल प्लेक्यूकॉस हो जाएगा तो फाइनली लीड टू द इनफ्लेमेशन ऑफ हेल एंड पल्प नोन इज पल्प डाइट्स, ओके। तो इस तरीके से आप इससे बच सकते हो अगर हम थोड़ा सा अवेयरनेस रखें। वी कैन सेव आवर टीथ बाय द हेल्प ऑफ अवेयरनेस, लाइक डू द ब्रश ट्वाइस अ डे एंड व्हेन वी ईट एनी फूड आइटम्स आफ्टर दैट वी विल बी डू वॉश आवर माउथ विद द हेल्प ऑफ वॉटर, ओके ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। What is our next topic? Next topic is digestive gland. Okay. Digestive gland की अगर हम बात करें तो in human beings में mainly digestive gland many types के हो सकते हैं, ठीक है। In man या human beings there are 3 pair of salivary gland. Okay, which secrete the digestive juice या enzyme and saliva also. So ऑन द बेसिस ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड की अगर बात करें सिक्रीशन के बेस पे, तो स्लाइबा वन ऑफ देम, सलाइवरी ग्लैंड, एंड सेकेंड इज अ गैस्ट्रिक ग्लैंड, थर्ड इज अ लीब, सेकेंड इज अ व्हाट आई एम से गैस्ट्रिक ग्लैंड थर्ड की अगर बात करें तो लीब, एंड फोर्थ की बात करें तो पेंक्रियास, एंड फिफ्थ की बात करें तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड मिलेंगे हमें। तो देयर आर 5 डाइजेस्टिव ग्लैंड है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, राइट। तो देयर आर 5 डाइजेस्टिव ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पेंक्रियास, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट हम किसकी बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट सलाइवरी ग्लैंड। हम सलाइवरी ग्लैंड की बात करते हैं। इन ह्यूमन देयर आर 3 pair ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ऑल्सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, फर्स्ट दिस इज अ फर्स्ट पेयर, इट इज अ सेकेंड पेयर एंड इट इज अ थर्ड पेयर। तो देयर आर 3 pair ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, दीज सिक्रीट सलाइवा, और ये क्या सिक्रीट करते हैं, दीज पेयर ऑफ ग्लैंड, ये सलाइवा सिक्रीट करते हैं, ठीक है। एंड इस सलाइबा में आप, इस सलाइबा में आपको क्या मिलेगा, व्हाट विल बी ऑब्टेन इन दिस सलाइबा, या द सलाइबा कंटेन अ डाइजेस्टिव एंजाइम, इसमें इस सलाइबा में आपको क्या क्या मिल सकता है। तो इस सलाइबा में एंजाइम होंगे, सलाइबा कंटेन एंजाइम, जिसको हम एंडर, इसका एंडर नेम है टाइलिन, व्हाट वी से टाइलिन, ओके। और या तो इसको हम सलाइवरी एमाइलेज भी बोल सकते हैं, व्हाट वी से इट इज अ टाइलिन सलाइवरी एमाइलेज, व्हिच टाइप एंजाइम अकर इन अ सलाइवा, तो टाइलिन एंजाइम या सलाइवरी एमाइलेज बोलिए आप। एंड 90% वाटर का बना होता है इसमें, ठीक है। तो क्या आपको ये पता है, इसमें कंसेप्ट है बहुत ही मजेदार है, सलाइबा इज द एंटीसेप्टिक एंड विच किल द जर्म्स लाइक बैक्टीरिया टू प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम। जो सलाइबा होते हैं वो एंटीसेप्टिक का काम करते हैं और ये कैपेबल है जर्म्स एंड बैक्टीरिया को किल करने के लिए, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, कौन सी एंजाइम है, लाइसोजाइम, ओके। लाइसोजाइम एंजाइम की वजह से सलाइबा एंटीसेप्टिक हो जाती है, और सलाइबा ड्यू टू द हेल्प ऑफ सलाइबा फूड बिकम सॉफ्ट स्लिपरी एंड हेल्प टू डाइजेशन, एंड स्टार्च ऑल्सो ड्यू टू द स्टार्च जो भी होते हैं, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं किस फॉर्म में, माल्टोज के फॉर्म में, ठीक है। स्टार्च किस में फॉर्म होंगे, स्टार्च माल्टोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। एंड वॉटरिंग
ऑन द ईटिंग द फूड, व्हेन वी हम कभी भी जब फूड खाते हैं तो माउथ में क्या होते हैं, वाटर का सिक्रीशन शुरू हो जाता है, वाटरी सब्सटेंस का सिक्रीशन शुरू हो जाता है. दिस वाटरी सब्सटेंस इज नोन एज लाइसोजाइम या लाइसोजाइम एंजाइम, एंड मतलब एक वर्ड में बोले तो स्लाइबा. अगर एक वर्ड में हम इन्हें बोलना चाहें तो हम क्या बोलेंगे, दीज आर स्लाइबा. लेकिन यहाँ पे हमने अभी स्लेबरी ग्लैंड को बताया कि हेयर इज वन टू थ्री पेयर, सबका नाम होता है ठीक है. स्लेबरी ग्लैंड जैसे कि पैराटॉयड ग्लैंड जो चिक, दिस ग्लैंड इज नोन एज, जो ये भी स्लाइबा सेक्रेट करेगा, ये भी स्लाइबा सेक्रेट करेगा और थर्ड वाला भी स्लाइबा सेक्रेट करेगा. तो फर्स्ट ग्लैंड का नाम बोलेंगे पैराटॉयड, पैराटॉयड जहां कहां पे ये नियर बाय चिक ठीक है. सब मैक्सिलरी या सब मैंडुबुलर, लोअर जावा में मिलेंगे, लोअर जावा ये हमारा ये रहा लोअर जावा, इसे हम बोलेंगे सब मैंडुबुलर. व्हाट वी से, सब मैंडिबुलर ठीक है, सब मैंडिबुलर. और ये थर्ड का नाम पड़ेगा बेटा सब लिंगुअल. व्हाट वी से, सब लिंगुअल. ये लोअर टंग, टंग बिलो द टंग. सब लिंगुअल जो ग्लैंड है जो स्लाइबा सिक्रीट कर रहा है वो कहां पे लोकेटेड है, तो बिलो द टंग. ओके, सब मैंडुबुलर कहां लोकेटेड है, तो बिलो द लोअर जावा. एंड फर्स्ट पैराटॉयड कहां लोकेटेड है, तो ऑन द चिक, नियर बाय द चिक या चिक सीधे बोल सकते हो. ओके ओके, दीज ग्लैंड सिक्रीट स्लाइबा इन द फॉर्म ऑफ टू फंक्शन ठीक है. ये दोनों इनका दो काम होता है, ल्यूब्रिकेट द फूड, पहले तो ये फूड को ल्यूब्रिकेट करते हैं ठीक है. एंड और ये एंजाइम कंटेन होते हैं, दीज एंजाइम आर नोन एज, मैंने अभी जस्ट बताया टाइलिन बोलो या सलेबरी एमाइलेज बोलो, विच एक्ट ऑन द स्टार्च एंड डाइजेस्ट इट. ये किस पे काम करता है, स्टार्च को तोड़ देता है. स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच ब्रेक डाउन इन टू द ब्रेक बाई द सलेबरी एमाइलेज. ओके, आफ्टर दैट हम अगर पेंक्रियाज की भी बात कर लें, अगर हम पंक्रियाज की बात कर लेते हैं ओके, जस्ट नट हम पंक्रियाज के डायग्राम शो करते हैं आपको. ओके, आपके डेस्कटॉप पे पंक्रियाज का डायग्राम आ गया है, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो पंक्रियाज इसमें से कौन है. तो देखो बेटा ये इसोफेगस है ठीक है, जो स्टमक में जाके ओपनिंग होगी. ओके, आफ्टर दैट स्टमक आएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया, यहीं से ये एराइज, जो येलो पार्ट आप देख रहे हो, this the gland is known as pancreas. Okay, it is known as pancreas. Pancreas को आप किससे कनेक्ट पाओगे, तो gall bladder. देखो यहाँ पे gall bladder है जो bile को store करता है, और this is a liver. यही एक organ है देखो. तो यहाँ पे दो concept है, liver, आप liver को देखो, pancreas को देखो ठीक है. तो there are two gland जो दोनों डाइजेस्टिव ग्लैंड के, इनको हम डाइजेस्टिव ग्लैंड बोल सकते हैं, लीवर एंड पेंक्रियाज बोथ आर डाइजेस्टिव ग्लैंड ठीक है. और जो पेंक्रियाज हैं इनका कलर क्या है, तो येल्लो कलर के होते हैं, इट इज अ येल्लो कलर ठीक है. एंड कलर ग्लैंड प्रेजेंट इन बिहाइंड द स्टमक, जो स्टमक के नीचे पाए जाते हैं, पीछे पाए जाते हैं ठीक है. बिहाइंड द स्टमक इट सिक्रीट पेंक्रियाटिक जूस, ये क्या सिक्रीट करते हैं, तो ये पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं ठीक है. और जिसमें क्या, ये थ्री पेंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करेंगे, ये थ्री पेंक्रियाटिक जूस कौन कौन से होंगे, तो आपको मैं नाम बता दूं, लाइपेज, फर्स्ट इज लाइपेज, सेकंड इज ट्रिप्सिन, व्हाट आई एम से, सेकंड इज ट्रिप्सिन एंड थर्ड इज एमाइलेज. या ये जो पेंक्रियास है ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कहलाएगा ह्यूमन बीइंग में, और जो लीवर है फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड है. जो लीवर है वो एंजाइम का सिक्रीशन नहीं करता है, ये डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन करता है, विच इज नोन एज बाइल, और विच इम्यूलिफिकेशन ऑफ द फैट, जो फैट को ब्रेक डाउन करता है ठीक है. और वो बाइल जाके किसमें स्टोर होती है, तो गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर की ओपनिंग कहां होती है, पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक डक्ट में, सीधे बोल दोगे पेंक्रियाटिक डक्ट में. और जो यहां ड्यूडिनम आप देख रहे हो, इट इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन राइट. और पेंक्रियास जो है
ये एंडोक्राइन ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों जानी जाती है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव जूस या डाइजेस्टिव एंजाइम का भी सिक्रीशन करती है और साथ साथ में हार्मोन का भी सिक्रीशन करती है डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ठीक है, ये ब्लड में हार्मोन का सिक्रीशन करती है और ओपन डक्टलेस का भी काम करती है, क्या सिक्रीट करके, लाइपेज ट्रिप्सिन एंड एमाइलेज। ओके, एंड सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में जो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड का नाम क्या है, व्हाट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, तो पैंक्रियाज इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी विच सिक्रीट लाइपेज ट्रिप्सिन एमाइलेज विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द फूड एंड इट ऑल्सो सिक्रीट इंसुलिन हार्मोन इन द ब्लड विच मेंटेन द शुगर लेवल। ओके गुड, और इंसुलिन के अलावा और क्या सिक्रीट करती होगी, आर यू डू यू हैव आइडिया अबाउट, मैंने कहा कि ये हार्मोन सिक्रीट करती है जो इंसुलिन है जो शुगर लेवल को मेंटेन करती है, तो ये तो वाकई में करती है। एक सेकेंड पॉइंट भी है बेटा, आर यू एबल टू गिव मी आइडिया, वो सेकेंड क्या हो सकता है, ग्लूकोगन, ठीक है, विच रेगुलेट द ग्लूकोज मेटाबोलिज्म इन अ बॉडी। ओके, तो लीवर इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड, जैसे कि आपने बताया, हमने बताया डार्क ब्राउन कलर का होता है, डिवाइडेड इंटू टू मेन पार्ट, इसको दो पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। लीवर को कितने मेन पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो टू मेन पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से, डू यू नो हैव आइडिया, नो, राइट एंड लेफ्ट लोब, इसमें दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, राइट लोब्स एंड लेफ्ट लोब। ओके, और ये इसका मेन काम क्या है लीवर का, तो बाइल का सिक्रीशन हो गया, इज अ डाइजेस्टिव जूस विच स्टोर इन अ गॉल ब्लैडर और इट हेल्प इन इम्यूनिफिकेशन ऑफ फैट, जो किसको ब्रेक डाउन करता है, फैट का ब्रेक डाउन करता है, राइट। गैस्ट्रिक ग्लैंड इसी में आएगा बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक, यहाँ इस साइड में देखिए, ये तो लीवर का पार्ट हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड, जिसके बिलो नीचे मिलेगा आपको स्टमक, और उस स्टमक में जो वॉल होते हैं वो सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाते हैं। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड की बात करें तो ये कहाँ पाए जाएंगे, तो वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पे प्रेजेंट होंगे, जो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करेंगे, ठीक है, और हेल्प करेंगे डाइजेशन में। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड हम नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर कर लेते हैं। ओके बाय।